चलिए जी, क्लास शुरू करते हैं। आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एरिया को कवर करेंगे। स्टैंडर्ड, सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड्स होते हैं क्या है। कोई बता सकता है मतलब स्टैंडर्ड की नॉर्मल डेफिनेशन? नॉर्मल मतलब नॉर्मल मीनिंग उसकी परसेप्शन क्या है? बिल्कुल, रूल भी कह सकते हैं, मतलब रूल भी कह सकते हैं, और एक ऐसी चीज़ जिसको आप आइडियलाइज करके उस चीज़ तक पहुंचने की कोशिश करें, वो आपके लिए एक स्टैंडर्ड बन जाता है। मतलब वो चीज़ बेंचमार्क कह रहे हैं आप उसको, कि आप एक चीज़ तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड कहलाती है। अच्छा, कॉस्टिंग में अगर हम यहाँ पर अकाउंटिंग के हवाले से देखें, कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि कंपनी एग्जिस्ट क्यों करती है, कंपनी बिजनेस क्यों करती है, उनका मेन पर्पज़ क्या होता है। मेन पर्पज़ ये होता है कि भाई प्रॉफिट कमाना है, पैसे कमाने हैं। दूसरा ये है कि जो मार्केट नीड है, कुछ कंपनीज हैं जो कि उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि जो मार्केट की नीड है उसको आइडेंटिफाई करके उसको फुलफिल करने, गैप को फिल करने की कोशिश करती है। ठीक है, इसके अलावा कंपनीज का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो जब एक दफ़ा मार्केट में लॉन्च हो जाए तो उसके बाद वो कंटिन्यूसली जो है मार्केट में जो है वो प्रॉफिटेबल रहे। ऐसा ना हो कि लॉन्च होने के बाद सीजनल पैटर्न पे वो प्रॉफिटेबिलिटी गई और उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर सकी मार्केट। तो कंपनीज का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो प्रॉफिट कमाए, मार्केट नीड्स को फुलफिल करें, उसके अलावा मार्केट में प्रॉफिटेबल रहें। ठीक है, मार्केट में प्रॉफिटेबल रहने के लिए वो अपनी परफॉर्मेंस को मुसलसल जो है वो इवेलुएट करती रहती हैं, अपनी परफॉर्मेंस को जज करती रहती हैं। उसके लिए वो करती क्या है, वो अपने बेस्ट परफॉर्मिंग कंपेटिटर्स को देखती हैं कि वो क्या कर रहे हैं मार्केट में। देखिए, जब कंपनीज पे आगे हम बात करें कंपनीज की, वो बिजनेस क्यों कर रही हैं, तो बेसिकली कंपनीज के लिए स्टैंडर्ड क्या है, मैंने कहा ना कि वो जब मार्केट में कॉम्पिटेटिव रहना चाहती हैं, प्रॉफिटेबल रहना चाहती हैं, तो वो अपने कंपेटिटर्स को देखती हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग कंपेटिटर्स उनके लिए एक स्टैंडर्ड बन जाता है। इस तरह से स्टैंडर्ड सेट होते हैं। स्टैंडर्ड बेसिकली मार्केट वेरिएशन, मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है वो चीज़ स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और मार्केट लीडर्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनका जो एक्ट है, वो जो कुछ कर रहे हैं मार्केट में कॉम्पिटेटिव रहने के लिए और लीडर रहने के लिए, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एक स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, तो इसी तरह मार्केट, जब कंपनीज मार्केट में प्रॉफिटेबल रहने के लिए परफॉर्मेंसेस को जज कर रही होती हैं, तो वो अपने कंपेटिटर्स को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, इससे होता ये है, कंपेरिजन करती हैं तो उससे होता ये है कि उनकी डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई होती हैं, और वो डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करके करेक्टिव मेजर्स की तरफ जाते हैं ताकि इम्प्रोवाइज करें अपनी परफॉर्मेंस को। ठीक है सर, ये जी मैं एडमिन से कह दूंगा, जो एफ एफ की है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपके पर्सनल लॉगिन एरिया पे प्रोवाइड कर देंगे ये। ठीक है, अच्छा, ज़ाहिर है जब कंपनी अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कर रही है तो उनको कोई बेंचमार्क चाहिए होता है, वो बेंचमार्क उनके लिए एक स्टैंडर्ड का काम करता है, और कंपैरिजन के नतीजे में जो डिफरेंस आ रहा होता है वो डिफरेंस बेसिकली वेरियंस कहलाता है, जो कि हम आगे इसके वेरियंस का एक पूरा चैप्टर है कॉस्टिंग, जब हम कॉस्टिंग पढ़ रहे होंगे तो कॉस्टिंग में वेरियंस एनालिसिस का पूरा अलग एक चैप्टर है, उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमने देखा कि स्टैंडर्ड होते क्या, स्टैंडर्ड बेसिकली एक बेंचमार्क होता है जो कंपनी डिसाइड करती है अपने बेस्ट परफॉर्मिंग कंपेटिटर्स को देख के, या कोई कंपनी अपने बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट को देख के एक क्राइटेरिया सेट करती है और उस तक पहुंचने की कोशिश करती है, और उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड के दरमियान में जो गैप होता है उस गैप को हम वेरियंस कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ स्टैंडर्ड है क्या, स्टैंडर्ड बेसिकली एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है, प्री डिफाइंड एस्टिमेट है परफॉर्मेंस का, जो कि या एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस जो कि बेस कर रहा होता है पास्ट परफॉर्मेंसेस पे, मार्केट ट्रेंड्स पे बेस कर रहा होता है, परफॉर्मेंस ऑफ कंपेटिटर्स पे। वही बात आ गई कि
जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपेटिटर है उसको पहुंचने के लिए उस तक पहुंचने की कोशिश करें। सॉरी वो एक तो हम जो सोच रहे हैं ये एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक वो जो बेंचमार्क है जी, एक परफॉर्मेंस है जो हम सोच रहे हैं कि हम वहां पहुंच सकते हैं या ये एक्सपेक्टेड सर, ये स्टैंडर्ड एक्चुअल एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड्स तीनों के लिए एक है। देखो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ये है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, हम प्लानिंग फेज पे जब बैठ के इनिशियल फेज पे जब हम एग्जीक्यूशन फेज पे आ रहे होते हैं तो उस वक्त जो हम अपनी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो है हमारी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है। और जो करंट पोजीशन है हमारी, जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, करंटली परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। और जिस परफॉर्मेंस तक हमें पहुँचना है अपने बेस्ट परफॉर्मिंग कंपेटिटर्स को देखते हुए, जो बेंचमार्क हमने सेट किया है वो हमारी जो है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड है, हमारे लिए स्टैंडर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड की एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक तो अभी मैंने बताया एक्सप्लेन की आंसर में ही, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हमारे बहुत एग्जाम होते हैं, ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कंडक्ट करते हैं एग्जाम से कुछ अर्सा पहले, वो क्या करते हैं कि एग्जाम सिचुएशन को सिमुलेट करके एग्जाम से पहले एक एग्जाम ले लेते हैं आपका कि आपकी करंट पोजीशन को जज कर सकते हैं। जी ये थोड़ा मेरे ख्याल में प्रॉब्लम है इसमें VGA कन्वर्जन में, तो मसला कर रही है, ठीक है। हमारे इंस्टीट्यूट हमारा एग्जाम लेते हैं, हम जाके वो कंडक्ट करते हैं एग्जाम, प्रेशर को फील करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस देने से पहले और अपनी तैयारी का टेस्ट कर रहे होते हैं उसमें, ठीक है। मॉक एग्जाम हो जाते हैं, जब मॉक का रिजल्ट आता है ना तो हमारी एक्सपेक्टेशन कम अज कम उस रिजल्ट तक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मॉक में हमारे 70% मार्क्स आए, तो 70% मार्क्स आने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि कम अज कम 70% की तैयारी तो हमारी है, अब हमें इससे अच्छा करना है, एक्चुअल में हमारे कम अज कम उतने तो आने चाहिए। तो ये जो मॉक का रिजल्ट है इसने हमारी लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हमें इतना ऐसा तो परफॉर्म करना ही है, ठीक है। अब आगे जाके एक्चुअल एग्जाम भी कंडक्ट हो जाते हैं, हम दे देते हैं, उसके बाद रिजल्ट आ जाते हैं। अच्छा एक्चुअल एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो वो अगर फेवरेबल आ जाए यानी 70% से ऊपर आ जाए तो हमारे लिए एक फेवरेबल कंडीशन होती है, और अगर 70% से नीचे आ जाए या हो जाए तो हमारे लिए थोड़ी सी डिसहार्टनिंग कंडीशन होती है। आगे देखते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। अब तक तो हमने समझा कि स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली एक टूल है जो कि स्टैंडर्ड कॉस्ट को ड्राइव करती है बेस्ड ऑन ट्रेंड्स, बेस्ड ऑन मार्केट परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री, बेस्ड ऑन कंपेटिटर्स, इसकी बेस पे एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करती है। वो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी मदद करती है हमारी बजटिंग में, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में मदद करती है, और उसकी बेस पे हम फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, और आखिर में जाके हम जब इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे होते हैं तो हमें हमारी वीकनेसेस पता लगती हैं, हमारी डेफिशिएंसीज पता लगती हैं, हमें ये पता लगता है कि किन एरियाज में हमने अच्छा परफॉर्म किया और किन एरियाज में हमें मज़ीद बेहतरी लानी है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करती क्या है, वही कंपेरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड एक्चुअल कॉस्ट को, जब हम कॉस्टिंग की बात करें तो हम कॉस्ट का वर्ड यूज़ करेंगे, पहले हम परफॉर्मेंस से समझ रहे थे स्टैंडर्ड को, अब हम कॉस्टिंग की बात करें तो हम कॉस्ट को कॉस्ट का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी की यहाँ से कोई कंफ्यूजन है किसी को? अच्छा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करती क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करती है हमारी एक्चुअल कॉस्ट से जो कि एक्चुअली हमने इंकर की ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्शन गुड सर्विसेज, ठीक है। इस कंपैरिजन के नतीजे में जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस कहलाता है वेरिएंस। वेरिएंस एनालिसिस का सेपरेट चैप्टर है, इसको हम जो है वो सेपरेटली डिस्कस कर रहे होंगे जब हम वेरिएंस एनालिसिस पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा स्कोप सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्ट तक लिमिटेड है, वेरिएंस एनालिसिस की डिटेल कंप्यूटेशन और एनालिसिस हम आगे इसके सेपरेट चैप्टर में कर रहे होंगे। अच्छा जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट बेसिकली एक प्रीडिफाइंड एस्टिमेट होता है किसी भी
प्रोडक्ट के एक यूनिट के बनाने में जो कॉस्ट लगी उसका, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ रहे हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट के एक यूनिट को बनाने में जितनी कॉस्ट लगेगी हमारी, वो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। और किसी एक यूनिट को बनाने में जितना मटेरियल लगा, जितना लेबर लगा, जितना ओवरहेड लगा, वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट हमारी कहलाती है। जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, जब हम इसको बनाते हैं, तो वो जो हमारे पास कॉस्टिंग टेबल आते हैं, उस कॉस्टिंग टेबल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? डायरेक्ट किसी भी चीज़ की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें हमें मटेरियल लगाना है, जी क्या कह रहा है? अच्छा ठीक है, ले लें कॉल, ले लें आप जाके। मैं दो मिनट के लिए यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, ये कॉल अटेंड करके आ जाएँ, शायद कोई अर्जेंट कॉल है, तो शुरू करते हैं। यहाँ तक किसी की कोई क्यूरी है, कोई सवाल है किसी का? यार ये कहाँ गया? आगे हम कंटिन्यू करते हैं जी। एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, जब प्रोडक्शन हो रही होती है उसमें किसके क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या एलिमेंट होते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट के? रॉ मटेरियल लगता है, उस पर लेबर अप्लाई होती है, लेबर कितनी तरह की होती है, डायरेक्ट लेबर होती है, इनडायरेक्ट लेबर होती है, ठीक है। ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स में फिक्स ओवरहेड भी होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड भी होते हैं। ये तमाम कॉस्ट जो है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बना रही होती है, या किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट बना रही होती है। जब हम एक यूनिट की बात करते हैं तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाएगी। इस तरह एक यूनिट प्रोड्यूस करने की जो टोटल कॉस्ट है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट बनाने में कितना लग रहा है, डायरेक्ट लेबर एक यूनिट बनाने में कितना लग रहा है, ओवरहेड एक यूनिट बनाने में कितना लग रहा है, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है कि एक यूनिट बनाने में डायरेक्ट मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल के रेट क्या थे, जी क्यों क्यूरी है आपकी? आपका कॉस्टिंग लिखे देना पासवर्ड जी, आपका कॉस्टिंग लिखे देना पासवर्ड। मेरा कॉस्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सडन में हो गया, इंशाल्लाह हमारा भी जाएगा सर, ठीक है। अच्छा जी सर, जब सर प्रैक्टिस देखें, पास करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस ना करें, लेकिन उस प्रैक्टिस को मैप करके अगर करेंगे तो वो आपको फ़ायदा देगी, इफ़ेक्टिव होगी वो। तो आप करें ये कि आप चीज़ों की फ्लो चार्ट बनाएं, मैपिंग करें पहले, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स के मैप्स को अपने जहन में बिठाएं। एक तरह से वो आपके जहन में एक स्टेंसिल बैठ जाएगा। आपने आपके पेपर में जो भी चीज़ आई है, सवाल में से उस स्टेंसिल में डालने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ढूंढने निकालनी है खाली। जब आपके जहन में एक स्टेंसिल बैठ जाएगा ना, तो आपने सवाल, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने सवाल में से वो चीज़ें ढूंढनी है, केयरफुली पढ़ना है और बहुत गौर से पढ़ना है चीज़ों को केयरफुली रहते हुए, और उसमें से वो चीज़ें ढूंढनी है जो उस स्टेंसिल में डालने के लिए आपको चाहिए। आपके वो चीज़ें, आपको वो चीज़ें मिल गई, आपका सवाल हो जाएगा, आप सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका सवाल ना होता है। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या, और वो चीज़ आपको कब उस वक्त क्लियर होगी जब आपके जहन में स्टेंसिल होगा उस चीज़ का कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। अच्छा, पेपर अटेम्प्ट करने में टाइम मैनेजमेंट का इशू भी होता है स्टूडेंट्स का। सर बहुत लेंथी आता है पेपर,
लेंथी टेक्निक है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं। तीन चार पेपर का सवाल तो मतलब तीन चार पेजेस का क्वेश्चन तो होता है। ये तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कि आप अटेम्प्ट करते हुए क्या कर रहे हैं, आपसे पूरा नहीं हो रहा पेपर या आपको चीजें नहीं आ रही होती। यूजुअली 90% अटेम्प्ट करके आता हूं। फिर भी मेरे मतलब मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं बार बार रुक रहा हूं। तो आप एनालाइज करते हैं जाके कि पेपर में क्या एमसीसी एरिया से आया था। अप्रोच भी देखनी पड़े, मतलब मैं ये कहता हूँ कि जिनको टाइम का इशू हो रहा है अटेम्प्ट करने में, उनके लिए मैं कहता हूँ कि भाई आप पेपर की मैपिंग करेंगे आपका एरियाज कौन से स्ट्रांग है, ठीक है। उसके लिए आपने करना यह है कि आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़े, रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट को जहन में रखते हुए जब आप पेपर को क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो रिक्वायरमेंट पढ़ के आपके जहन में एक मैप क्रिएट हो जाएगा कि आपने आंसर क्या करना है, किस तरह अटेम्प्ट करना है। और फिर उसको सॉल्व करने के लिए जब आप रिक्वायरमेंट को जहन में रखते हुए जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आप बहुत इफेक्टिवली उसमें से डिटेल निकाल रहे होंगे, आपका जहन पढ़ते हुए इधर उधर नहीं जा रहा होगा। अगर आप रिक्वायरमेंट को पढ़े बगैर, रिक्वायरमेंट को जहन में रखे बगैर क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो एक इन्फॉर्मेशन बिलीव मी कॉस्टिंग में, स्पेशली कॉस्टिंग में, एक लाइन में इतनी डिटेल होती है कि आपका जहन उस पर तीन चार कैलकुलेशन एक साथ शुरू कर देगा, ठीक है। उससे होगा क्या, कन्फ्यूजन बढ़ेगी आपकी। इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आप सिंपली पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें और उस रिक्वायरमेंट को फिलफिल करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है सिर्फ उस चीज़ को आप एक्सट्रैक्ट करें सवाल में से। सवाल इन्फॉर्मेशन इतनी दे रहा होता है कि अगर आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपके जहन में बहुत सारी कैलकुलेशन शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। इवन मेरे साथ ये होता है, अगर मैंने रिक्वायरमेंट नहीं देखी भी और मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो उस क्वेश्चन में इतनी सारी डिटेल होती है, इतनी सारी डिटेल होती है, बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट होना शुरू हो जाती हैं जहन में। तो ये भी एक तरह का नॉइज़ है, आपका साइकोलॉजिकल नॉइज़ कह सकते हैं आप, कि अगर आप रिक्वायरमेंट देखे बगैर अगर सवाल को पढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में खुद ही ऑटोमेटिकली सवाल को पढ़ते हुए कंप्यूट होना शुरू हो गई तो वो एक नॉइज़ क्रिएट कर रही है आपके जहन में और कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। उस चीज़ को आप क्लियर आउट करें। रिक्वायरमेंट सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें। आपके पास क्वेश्चन पेपर आए ना जो 15 मिनट होते हैं शुरू के, आप सिंपली ये करें तमाम क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट स्कैन कर लें, हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ के चले जाएँ। इससे शुरू के 15 मिनट में आपको 2 मिनट लगेंगे शायद ये आइडेंटिफाई करने में कि कितना पेपर इस एरिया से आया, जो एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये बता रही होती है कि किस एरिया से आया सवाल, ठीक है। तो जो एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है वो आप शुरू के 1 मिनट के अंदर अंदर डिसाइड कर लेंगे कि ये सवाल मेरे अच्छी ग्रिप वाले एरिया से आए, ठीक है। उसके बाद आप डिटेल पढ़ना शुरू करें। यार वो मैं दुआओं पे बिलीव करता नहीं, दवा ज़्यादा असर करती है मेरे ख्याल में। दुआ में भी काफ़ी रोती होगी लेकिन दवा भी साथ साथ ज़रूरी होती है, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, उसमें क्या क्या शामिल होगा, डायरेक्ट मटेरियल शामिल होगा, डायरेक्ट लेबर शामिल होगा, ओवरहेड एलोकेट हो रहे होंगे यूनिट को, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किन किन चीज़ों से इम्पैक्ट हो रही होगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 1 यूनिट बनाने में किन किन चीज़ों से इम्पैक्ट हो रही होगी, कि 1 यूनिट बनाने में डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है और मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट क्या है। इसी तरह जब हम लेबर की बात करते हैं तो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने में लेबर कितनी लग रही है, लेबर आर कितने लग रहे हैं और आवरली रेट क्या है लेबर्स के। इसी तरह ओवरहेड है, ओवरहेड्स में ये भी बेस कर रहे होते हैं आर्स पे, मशीन आर्स पे भी और लेबर आर एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर आर भी। थोड़ा सा बड़ा कर दें सर स्क्रीन, ये देखते हैं इसकी परसेंटेज को इनलार्ज करके देखूं। चलेंगे ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, 1 यूनिट बनाने में कितना मटेरियल लग रहा है वो इम्पैक्ट हो रहा है मटेरियल कंजम्पशन से, कि कितना 1 यूनिट बनाने में मटेरियल कितना यूज हो रहा है, उसके रेट क्या है, डायरेक्ट लेबर में कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं और आवर्ली रेट क्या है लेबर के, ठीक है।
अच्छा मेरी आवाज क्या कम आ रही है? ये सही है, सही है। अच्छा पीछे वालों को आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओवरहेड हम आ गए थे कि एक यूनिट बनाने में ओवरहेड पर यूनिट किस चीज पे बेस कर रहा होता है, कि ओवरहेड जॉब किस बेस पे किया जा रहा है, डायरेक्ट लेबर पे किया जा रहा है, डायरेक्ट मटेरियल पे किया जा रहा है। ये एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर आर्स भी हो सकता है पर यूनिट, और एक चीज मैं यहाँ मिस आउट कर गया हूँ, ये मशीन आर्ट्स पर भी हो सकता है, मशीन आर्ट्स पर यूनिट पे भी। ठीक है, और इसके रेट क्या है? अगर वो डायरेक्ट मटेरियल की बेस पे है तो मटेरियल पर यूनिट क्या है, ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है बेसिकली पर यूनिट ऑफ मटेरियल, पर आर ऑफ लेबर या पर आर ऑफ मशीन आर। अच्छा जी, एक ऐसा कॉस्ट मॉडल जिसमें फिक्स ओवरहेड प्रोडक्ट यूनिट पे एलोकेट हो रहा हो, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट में एलोकेट हो रहा हो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट में, वो कॉस्ट मॉडल हमारा कहलाता है अब्सॉर्प्शन कॉस्ट मॉडल। और ऐसा कॉस्ट मॉडल जिसमें ओवरहेड अब्सॉर्ब ना हो रहा हो वो हमारा कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट मॉडल। ठीक है, अच्छा इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट कंप्यूट करने की। हमारे पास डाटा दिया हुआ है, डाटा में हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोडक्ट ए बनाने में 10 केजी ऑफ रॉ मटेरियल यूज होता है, डायरेक्ट लेबर के 5 घंटे लगते हैं, वेरिएबल ओवरहेड जो है वो उस पर 5 घंटे लगते हैं, और फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहा है 5 घंटे की बेस पे। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ नोट करने की, फिक्स ओवरहेड जो है यूनिट कॉस्ट में एलोकेट हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये सवाल बेस कर रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मॉडल पे। ठीक है, इनके स्टैंडर्ड रेट्स ये हैं कि मटेरियल जो है वो 8 पर केजी अप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट लेबर के आवरली रेट जो है वो ₹10 पर आवर है, वेरिएबल ओवरहेड जो है वो ₹3 पर आवर की बेस पे एलोकेट हो रहा है, और फिक्स ओवरहेड ₹1 पर आवर की बेस पे एलोकेट हो रहा है। इस तरह डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हमारी हो गई 80, लेबर आर लेबर कॉस्ट हमारी हो गई पर यूनिट 50, वेरिएबल ओवरहेड हो गई 15 और फिक्स्ड ओवरहेड हो गई 5 पर यूनिट। इस तरह स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए हमारी हो जाती है ₹150। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड भी कहते हैं, यानी कि ऐसा प्रोडक्शन स्टेटमेंट जिसमें एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट को कंप्यूट किया जा रहा हो वो कंप्यूटेशन हमारी कहलाती है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड या स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। एक और एग्जांपल है जो कि स्टडी डेक से रिप्रोड्यूस की हुई है। यहाँ पर प्रोडक्ट एक्स वाई जेड है, इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट की डेट दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल है, 2 टाइप के मटेरियल यूज होते हैं, मटेरियल ए मटेरियल बी। ठीक है, मटेरियल ए जो है वो 2 लीटर यूज होता है और इसकी पर लीटर कॉस्ट जो है वो ₹50 है। इस तरह मटेरियल ए की टोटल कॉस्ट एक यूनिट एक्स वाई जेड बनाने के लिए ₹9 है। मटेरियल बी है, मटेरियल बी जो है एक यूनिट ऑफ एक्स वाई जेड बनाने में 3 किलो यूज होता है और इसका पर किलो रेट जो है ₹4 है। इस तरह एक यूनिट ऑफ एक्स वाई जेड बनाने में मटेरियल बी की टोटल कॉस्ट आ रही है ₹12। ये कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, देखें ₹12 कैसे बनी। देखें एक यूनिट ऑफ एक्स वाई जेड बनाने में 3 kg ऑफ बी यूज हो रहे हैं। ठीक है, और बी का पर केजी रेट क्या है? 4। तो जब हम 3 एक यूनिट में 3 kg यूज हो रहे हैं, रेट 4 है, तो 3×4=12। तो ₹12 जो है वो एक यूनिट ऑफ एक्स वाई जेड बनाने में यूज हो रही है। अच्छा जी, लेबर है, 2 तरह की लेबर यूज हो रही है डायरेक्ट एक्स वाई जेड बनाने में,
लेबर, ग्रेड वन लेबर, ग्रेड टू लेबर, ठीक है। ग्रेड वन लेबर्स के 0.5 आवर्स यानी कि आधा घंटा यूज हो रहा है एक यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा जेड बनाने के लिए, और इसके रेट जो है वो ₹20 पर आवर है। ग्रेड टू की लेबर है उसकी जो है वो 0.75 आवर्स यूज हो रहे हैं एक यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा जेड बनाने में, और इसके आवर्ली रेट है ₹16। इस तरह लेबर ग्रेड वन की जो टोटल कॉस्ट है एक यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा जेड बनाने में वो ₹10 आ रही है, और ग्रेड टू की जो लेबर कॉस्ट है एक यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा जेड बनाने के लिए वो ₹12 आ रही है। इस तरह टोटल लेबर कॉस्ट जो है हमारी 22 हो गई एक यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा जेड बनाने के लिए। इस तरह ओवरहेड एब्जॉर्प्शन दी हुई है कि वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 1.25 आवर्स यूज हो रहा है एक यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा जेड बनाने के लिए, और इसके आवर्ली रेट है ₹4 पर आवर। तो टोटल कॉस्ट वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की एक यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा जेड बनाने में 5 आ रही है, 1.25 को 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगी। सॉरी, ये थोड़ा सा जो है वो कनेक्टर मसला कर रहा है जिसकी वजह से प्रोजेक्टर जो है वो ब्लैंक हो जाता है जी। वेट कर लेते हैं स्क्रीन विजिबल हो जाए। ठीक है जी, प्रोडक्शन वेरिएबल ओवरहेड पे थे हम। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एक यूनिट बनाने में ₹5 कंज्यूम हो रही है, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा जेड बनाने में 1.25 आवर्स कंज्यूम करता है, और आवर्ली रेट है ₹40। इस तरह फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो है एट द रेट ऑफ 50 जो है वो एक यूनिट पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स वाई जेड जो है वो 98 हो जाती है। इस तरह ब्रेक ले ले यहाँ पे। चलिए इस चार्ट को कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रेक लेते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट को ड्राइव कैसे किया जाता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। डायरेक्ट मटेरियल के लिए जो स्टैंडर्ड कॉस्ट डिपेंड कर रही होती है, यानी कि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, और किन चीज़ों को हम कंसिडर करें तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट ड्राइव कर सकते हैं। देखिए, जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमिन करने जाते हैं तो हम डायरेक्ट मटेरियल को अगर देखें तो डायरेक्ट मटेरियल देखने के लिए हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना हो रहा है और वो किस रेट पे अवेलेबल है, उसकी प्राइस क्या है। ठीक है, कंजम्पशन को एस्टिमेट करने के लिए हम देखते हैं कि जी प्रीवियसली जब प्रोडक्शन हो रही थी तो उसमें कितना यूज़ हो रहा था। ठीक है, या इसी किस्म की प्रोडक्शन किसी और कंपनी में कितना मटेरियल कंज्यूम कर रही है, सेम एक्टिविटी कितना मटेरियल ले रही है। ठीक है, इसकी बेस पे हम ये डिटरमिन करते हैं कि हमारा मटेरियल एस्टिमेटेड कितना कंज्यूम हो रहा होगा एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने में। प्राइस डिटरमिन करने के लिए प्राइस इंडिकेटर्स होते हैं कि जी हिस्टोरिकल प्रीवियसली क्या प्राइस थी, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है मार्केट में, और बल्क डिस्काउंट या मार्केट में कितना डिस्काउंट्स अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, बल्क परचेज पे या मार्केट नीच भी होती है कि हम स्पेसिफिक मार्केट में, कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें चीज़ें सस्ती मिल रही होती हैं, कुछ मार्केट ऐसी होती हैं जो डेमोग्राफी पे बेस कर रही होती हैं कि वो किस जगह पे लोकेटेड हैं और उस बेस पे वो प्राइस चार्ज कर रही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। Thank you.
Thank you.